सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सब भी दगड़ियों खुनी नमस्कार। बंगू बीर छाए अरवेन बादम अपना पूर्वजों का नाम पर आरुणी सेम वारुणी सेम तलबला सेम जन्म मंदिर भी बनेन। गंगू थे एक बाद भी कत्यूरी राजा थे कर दीन पुर्दु छाए। पर जब सिद्वा बिद्वा अपना बुबा का पास एन तो गंगुन कर दीणु बंद कर दे। कत्यूरी राजा थे पता चेल गया छाई कि सिद्वा बिद्वा बहुत वीर छन। वेन कर लीणों को अपनो दूत भेजी। गंगुन वे दूत थे वापस भेज दे और बोली कि अपना राजा थे बते दे कि अब हमन क्वी कर नि दीणु। सिद्वा बिद्वन चौमासम अपना माल प्रदेश की देख रेख खुनी जानु छाए। ऊंकु माल प्रदेश भाबर छाए। कख छाए ऊंकु माल प्रदेश भाबर। सिद्वन अगिल दिन पंडित जी बुलेन और पूछी कि माल प्रदेश जानो को अच्छु दिन कोच। पंडित जी गणत कह की बोली कि अभी तो एक पखवाड़ा तक तुम्हारा भागम कोई दिन ही नीच। बिप्यार खुनी अच्छु दिन च पर वे दिन भी दक्षिण की यात्रा करें ठीक नीच और भाबर दक्षिण में पुर्द। पंडित जी ने बोली कि जब पूर्णमासी ऐ जैली तब तुम अपन घर छोड़ी की कखि जया। सिद्धुआ परेशान हो गए। वेन पंडित जी खुनी बोल हमर अब भी जान जरूरी च 15-20 दिन बाद जान से तो बहुत देर हो जैली। जरा फिर से देख दो क्या पता कोई दिन निकल जा। पंडित जी फिर से पत्रोड़ देखी और मुंड हिले की बाल न जजमान कोई दिन नीच। मेरी ते तुम खुने ई सलाच कि ए साल उख नी जावा तो ठिकराल या फिर 15-20 दिन बाद जाया। सिद्धवा झुम हो गए किले माल प्रदेश जानू बहुत जरूरी छाए। सिद्धवा की जनानी बीजू मतीन वे थे पूछ तुम इतगा परेशान किले दिखेना छवा। वेन पंडित जी की बुली बात अपनी जनानी में बते दे तो बिजू मतिल बोली मैं पहली सुचुनु छाए मी थे आज सुबेर लेकी एक नखुरु सुपने भी हुआ और मेरी दैन आंख भी बलकनी च तुम ए साल रमोली हाट बिटी भैर नी जावा। पर सिद्वा और बिद्वत बीर छाए और अपने समणी कहते कुछ समझदा नहीं छाए। वो जो बात एक बार ठानी दींदा छाई वहां से कभी पिछने नहीं हटदा छाए। ऊन माल प्रदेश जान की तैयारी शुरू कर दे। बिजुमती भी निमायनी वीन बोली कि जो तुम दुया भयोन वख जान ते मिन भी तुम दगड़ आण। सिद्धुआ नवी थे बहुत मने कि अभी ऊंक नौन बालेश्वर छुटुच यान वे थे इतगा दूर दगड़ी ले जानू ठीक नीच। फिर बुबा जी भी बुढ़िया होएगीन पर बिजुमती निमानी। आखिर मुआ और बालेश्वर भी सिद्वा बिद्वा दगड़ चल गए। सिद्वा अग्नय बटे पैटी और बिद्वा पिछने बिटी। उचाना छाई कि बिजुमती वापस लौट जा। हून कुछ दूर जान का बाद जंगलम अपनो डेरा जमे। तब तक बिजुमती और बालेश्वर बहुत थकी गए छाई। ऊं थे पुड़दे निंद आएगी और सिद्वा बिद्वा मुँह दगड़ अपड़ दगड़ो एक आदिम छोड़ी की चुपचाप अग्ने निकल गई। अब बिजुमती और वहीं का नौना का पास वापस लौटन का अलावा कोई चारु नहीं छाए। सिद्वा बिद्वा एक बाद घांगुली उड़ियार मर रुकिन पर वार द्वार का की पानी नहीं छे। बिद्वा पानी की खोज में निकल गए। रात पोड़ गए पर बिद्वनी ऐत सिद्वा थे फिकर हूं बैठ गए। वो अगले दिन सुबेर लेख बिद्वा की खोज में निकल गए। सुबेर बिटी शाम हो गए पर वे थे बिद्वनी मिल। आखिरी मुन अपनी बांसुरी बजौनी शुरू कर दे। बिजुआ रास्ता भूल गए छाई और जंगलम इन्हें बिटी उन्हें डबका लगाणु छाए। जन्युएल बांसुरी सुनी तो समझ गए कि यो सिद्वा की बांसुरी छ। वो कुछ देर में
उखुम पहुंच गए। सिद्धू अनवय थे ही गला लगे दे। अब दुया भाई उखुम बटे वापस गांगुली उड्यार पहुंच गए। इन्हें कत्यूरी राजा थे पता चल गई कि सिद्धुआ अर बिधवा रमोली हाटम निछिन। बस उत इन निचाणु छाए वेन कलवा बजीर और शंकर बजीर थे रमोली हाट पर आक्रमण कनो भेज दे। यूं दियोन रमोली हाट पहुंच की अपना सैनिक थे सभी खेती बाड़ी पर आग लगाउन को आदेश दे दे। रमोली हाट का लोग की ऊंका समिण एक निचैल बिजुमती रूण बैठ गए। वहीं थे सिद्धुआर बिधवा पर गुस्सा भी आणु छाए जो ऊं थे इन हालम छोड़ी की गेन। गंगू रमोला बुढ़े छाए पर अब भी ताकतवर छाए। ऊन बोली बिजुमती तू सिन परेशान न हो मैं छोना अभी। गंगुन धर्म धात मारी और अपनी जादू की लाठी पकड़ की वहीं जगह पर पहुंच गए जक कत्यूरी राजा की सेना छे। गंगू ऊंचा डांडम पहुंच गए और वुख बिटी अपनी जादुई लाठी से चर्य तरफ कुएड़ी कुएड़ी फैले दे। पूरी घाटिम अंधेरु हो गए। गंगुन वे का बाद कलवा बजीर और वे की सेना पर आक्रमण कर दे। कत्यूरी सेना कुछ समझी नहीं साय की और वो अपना आपस में लड़न बैठ गई। भयंकर लड़े लग गए। गंगू तब 100 साल कुछ है पर ऊं कसमिणी कलवा और शंकर बजीर की सेना की एक निचाली चर्य तरफ खूनी खून फैल गए। कलवा बजीरन द्याख कि वे की सेनत खत्म होने वाल छ। इन मौका पर कलवा की नजर गंगू पर पोड़ गए जो बांझ का डाला का पिछने बिटी आक्रमण कैरी की वे की सेना थी खत्म कनु छाए। कलवा बजीरन छुपी के पिछने बिटी गंगू का मुंड पर खांडा से जोर से मारी। गंगू चोट नि सह साकु। एक वीर और साहसी व्यक्ति ई मंथा बिटी विदा हो गए। बिजुमतिन जब देखी कि वहीं को ससुर जी अभी दुनियाम निराए तो वो घबरे गए। इन टाइम पर गंगू को नाती बालेश्वरन अपनी बहन बोल कि वे थे कि लड़ाई में जान दे। बिजुमती रूण बैठ गए पर मुइन बालेश्वर खुण बोली जा म्यारा वीर लड़ाई मजा मेरु आशीर्वाद तुई दगड़ आखिर तेर न सुम्बित वीर रमोलो खून बुगणु छ। बालेश्वर छुट छाए पर वो अपनी जिम्मेदारी समझुत छाए। वेन अपनी सभी बोयों थे वज्र सिलम लुकै दे और खुद लड़ाई कनो पहुंच गए। वेन अपनी तलवार उठाई और जन अभिमन्यु इकुली कौरव दगड़ चक्र व्यूह में लड़ी छाई उन्नी अपना आप ही कलवा बजीर की सेना दगड़ भिड़ गए। बालेश्वर को साहस देख कि कलवा बजीर का सैनिक भी घबरे गिन पर आखिर में ऊन बालेश्वर घिरे दे और शंकर बजीरन वह छुट्टा वीर नौनक मुंड काट दे। बुद अछन कि बालेश्वर को मुंड कफ चखुल में बदल गए। वो उड़ी की भाबर पहुंच जांद और उख जाय की सिद्धवा और बिधवा थे बतौंद कि दुश्मनुल रमोली हाट पर हमला कैरियाल। दादाजी थे वीर गति मिल गए। बोए वज्र सिला पुटक लुकई चिन और मेरु भी मुंड कटे गए। मैं अब कप्फू चखुल मणि की तुम थे बुलाउन को अयो छ। सिद्धवा और बिधवा उबरी रमोली हाट लौट गिन। ऊं देखी कि रमोली हाटम त सब कुछ तहस नहस हो गए। ऊं तुया भयून भगीरथ का किनार तप कैरी। भगवानल ऊं खुणी बोली कि बिजुमती तुम थई सब सच्चे बताए देल। वज्र शिलोक द्वार खुल गए। बिजुमती ने सिद्धवा और बिधवा पूरी बात बताए दे। ऊं दुया भयून महाकाली को मंत्र को जाप के और अपनी बोक्षाणी विद्या से 5200 सैनिक तैयार करिन। अब दुया भय लड़ाई का नौ पहुंच गिन। ऊं कसमिणी कलवा और शंकर बजीर की एक निचैल सिद्धवा बिधवन या लड़ाई जीती। ऊं थे गर्व छाए अपना बुबाजी गंगू रमोला और अपना नौना बालेश्वर पर। ऊं थे गर्व छाए अपना रमोला हूण पर जूं का खूनम वीरता कूटी कूटी की भुरींच। हम थे भी गंगू रमोला
और सिधवा बिधवा जन वीर पर बहुत गर्व छ। सिधवा बिधवा की कहानी तो इकम खत्म हो गए, पर लोक में इन्नी कुछ और कथे भी सुनाए जंदिन। दुशांत में सिधवा बिधवा की एक और कहानी बोले जान। दुशांत मतलब जख गढ़वाली और कुमया दुयों को प्रभाव छ। भाषाओं का बारे में उत्तराखंड में बोली जाती हैं 13 लोक भाषाएं, नाम से जो वीडियो बनियो च वे थे जरूर दिखा। तो हम सिधवा बिधवा की बात अगने बढ़न दो। चमोली जिला का दुशांत इलाका में एक चांचर गीत गए जांत। सिधवा बिधवा रामा छामा द्वि होला भाई रामा छामा, जा भुलू बिधवा रामा छामा, पंडित जी का पासा रामा छामा। यू एक लंबू गीत जय मा बतायूं च कि सिधवा बिधवा ढेबरा बकरा और भैंसा चरौंदा छाए। एक दिन बड़ा भय सिधवा ने बिधवा खुणी बोली कि वो पंडित जी का पास जय की कोई अच्छुस दिन कैरी का आऊ, जय दिन वो अपना ढेबरा बकरा और भैंसों ते लेकी बुग्याल जय सकीन। पंडित जी ने बोली कि अभी तो कोई दिन नीच, पर फिर भी सिधवा बिधवा पैटगीन। वो अपनी ढबरी बकरियों और भैंसियों थे लेकी आछरियों का देश पहुंच गीन। जख आछरियों ने उनको हरण कर दे, सिधवा बिधवा अपना ढबरा बकरों और भैंसियों सहित दलदल में डूबी की मोरी जंदिन। ई कहानी में सिधवा बिधवा साधारण गोर बकरा चरौन वाला बताया छन। आछरियों का बारे में हमारा पहली द्वि वीडियो बनाया छन, जो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दियो छ। तो यहाँ की दगड़ हम सिधवा बिधवा की कहानी समाप्त करना छो। तुम थे कन लगी जरूर बताया और ई थे लाइक और शेयर जरूर करया। एक अलावा अगर तुम जो कोई कहानी हम खुणे भिजन चाहना छवा तो वहीं थे gaseri99@gmail.com पर भेज दिया। पर बात एक में खत्म नहीं हुए, अभी तो बात कर दूँ पखाणों की। पहली गढ़वाली पखाणा बुदा छन कि खै नहीं जान तो खशम कांगू और नाच नहीं जान तो खोलू बांगू। इसका शब्दार्थ है कि खाना ना पाओ तो घर का मालिक कंगाल और नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। भावार्थ भी आप समझ ही गए होंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना। आज की कुमाऊनी कहावत इंच, सासुली बुआरी थे को, बुआरिल चल थे को, चलन कुकर थे को, और कुकरैली पुछड़ी ही ले दे। इसका शब्दार्थ है कि सास ने बहू को काम सौंपा, बहू ने बेटे को, बेटे ने कुत्ते को, और कुत्ते ने पूंछ हिला दी, मतलब मना कर दिया। इसका भावार्थ है कि किसी भी सौंपे हुए काम को टालना। तो आज खुणी इत गए। वीडियो पूर देखण खुणे की आपको धन्यवाद और दगड़ी नमस्कार।